नमस्कार। आज यहाँ हम चर्चा करेंगे हिसार को लेकर के। हिसार की जो कनेक्टिविटी है वो सीधा अब आने वाले समय में आपको दिल्ली एयरपोर्ट से होती हुई नजर आएगी। देखिएगा, कोई भी सिटी का जो विकास है, कोई भी शहर का अगर विकास है, तो वो उसके ऊपर डेवलप करता है एक्टिविटी और उसके आसपास की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या उसका फ्यूचर प्लान है, क्या उसका मास्टर प्लान है, इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं हिसार को लेकर के। हिसार आपको पता है कि अभी एक लेटेस्ट आपने देखा होगा, पिछले टाइम में एक आपको एयरपोर्ट का जो इसका व्यू था और जो इसकी ऊपर की जो कंस्ट्रक्शन का जो नक्शा वगैरह था वो सब आप लोगों तक पहुंचा होगा और शंखनुमा आकार का इसको रूप दिया जाएगा। उसके बाद ये जो एयरपोर्ट है, कार्गो एयरपोर्ट के तर्ज के ऊपर बन रहा है, आप जाके देखेंगे। पीछे भी मेरे बहुत सारे इसके रिगार्डिंग वीडियोस आए थे और उस टाइम भी मैं बताता था कि काम इस पे चल रहा है, आप इसमें किसी प्रकार की कोई संशय नहीं है। और इसकी हिसार की अपनी अभी कनेक्टिविटी सीधा डायरेक्ट करने की कोशिश की जा रही है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से, और जो कि बहुत सुपर फास्ट ट्रेन यहाँ पर लगाई जाएगी, जिसकी जो रूट रहेगा वो रहेगा हाँसी और उसके बाद में अपना गुड़गांव हरसरू गढ़ी होते हुए। आपको पता है कि जो गढ़ी हरसरू का जो एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन है वो पूर्ण रूप से वहाँ पर कार्गो का काम है, और कहीं पर भी कोई भी प्रोजेक्ट होता है, देखिएगा आप जब गुड़गांव जाएंगे वहां के जो रेलवे स्टेशन का मानेसर का जो एरिया आप देखेंगे, वो पूरा का पूरा कार्गो हब बना हुआ है। अब वहां पर क्या होता है, कोई भी मटेरियल आता है, मटेरियल आने के लिए या उसको भेजने के लिए, सप्लाई के लिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। तो उसकी कनेक्टिविटी और हिसार की कनेक्टिविटी बहुत अहम मुद्दा ये रहेगा। यहाँ पर लगभग 1215 करोड़ का इसका एस्टिमेट बनाया गया है, जो कि उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी इसका कार्य शुरुआत कर दी जाएगी। हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा के साथ में डिप्टी सीएम साहब की इसके रिगार्डिंग इसको लेकर के बार बार मीटिंग्स की जा रही है, जिसको इसको इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने के लिए सारे के सारे जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार किया जा रहा है। अभी हिसार एयरपोर्ट देखिएगा, मैं हमेशा से एक ही चीज बोलता हूँ कि हिसार एक महत्वपूर्ण शहर है आसपास के पूरे ऑल ओवर हरियाणा का, और मैंने ये बोला कि गुड़गांव के बाद अगर कोई दूसरा शहर है जो सबसे तेजी से विकसित करता हुआ दिखाई देगा तो वो हिसार है। अब यहाँ से कनेक्टिविटी होने के बाद देखिए, इस एरिया में, यानी कि जो मैं बात करता हूँ सेक्टर ए, कौन से एरिया की प्रॉपर्टी में प्रभाव ज्यादा आपको देखने को पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी कनेक्टिविटी से सीधा का सीधा जो प्रभाव है वो लॉन्ग टर्म प्रभाव पड़ेगा। आप अगर उसको शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें, मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रॉपर्टी में जब भी इन्वेस्ट करना, आप दूरदर्शी बन के कार्य करें। जितना आप एडवांस प्लानिंग करके आप कार्य करेंगे, आपको जमीनें उस टाइम पे बहुत सस्ती मिलेंगी, और आने वाले समय में आपको हो सकता है उसमें टाइम लग सकता है, 4 साल 5 साल का समय जरूर लग सकता है, लेकिन उस टाइम जो उसका फ्रूट है, उसका जो रिजल्ट है, वो बहुत मीठा आपको मिलेगा। कुछ इसी प्रकार से आप अगर पुराने समय में जाके देखेंगे तो आपको अगर जो मानेसर वगैरह का एरिया था, ये जो 88 90 92 95 का जो टाइम था, उस दौरान वहां पर कुछ भी नहीं होता था, लेकिन आज जिसने लॉन्ग टर्म प्लान करके अगर वहां पर इन्वेस्ट करके छोड़ दिया था, तो आज उसकी कई 100 गुना प्रॉपर्टी के दाम बढ़ चुके हैं। तो इसी तरीके से आपने जब भी निवेश करना है, लॉन्ग टर्म के लिए आप करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए निवेश इन्वेस्टर या जो निवेशक होता है वो नहीं करता, वो तो करता है प्रॉपर्टी डीलर्स का काम होता है। आज ले लिया, 100 200 400 500 1000 10000 रुपये उसको बेच दिया, तो वो चीजें आप शॉर्ट टर्म में यहाँ पर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए हर एक चीज बढ़ेगी अपने टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ेगी और उसका रिजल्ट उसी हिसाब से मिलेगा। आज अगर आप सेक्टर 1-4 से उस साइड के एरिया में, यानी कि मैं अगर मेन रोड जो अपना हाईवे है, हाईवे के आसपास के एरिया, रायपुर और मिर्जापुर,
रायपुर रोड से मिर्जापुर रोड के बीच का कोई भी एरिया आप चूज कीजिए, अगर आप लंबे समय के लिए यहाँ पर निवेश करते हैं तो आपको ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सिरे चढ़ने के बाद आपको अच्छा रिजल्ट वहां से मिलेगा। कुछ इसी प्रकार से मैं अगर इसको जोड़ूं, एक बार गुड़गांव का जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसका एक उदाहरण दे देता हूँ। द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर या उसके आसपास के एरिया में किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं था आज से पीछे 10 साल पहले में, और उस टाइम पे अगर किसी ने वहाँ प्रॉपर्टी लेके छोड़ी थी उस टाइम अगर कोई वहाँ के लोगों को बोल दिया जाता कि यहाँ ऐसा रोड आएगा या इस तरीके से इसको सीधा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा, तो हो सकता है जैसे आप लोग अभी कुछ एक लोग कमेंट में भी हो सकता है लिख देंगे कि हंसेंगे, जिनका काम है जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास हंसने के लिए एक मुद्दा जरूर मिल जाता है, लेकिन कोई भी टाइम रहते वो सारी चीजें इंप्लीमेंट हुई, ग्राउंड के ऊपर भी आई, और आज देखिएगा उसकी जो आधारभूत वो किस तरीके से चेंज हुआ। तो कुछ इसी प्रकार से हिसार के अंदर अगर आप आज इन्वेस्ट करके छोड़ते, आज आप प्रॉपर्टी, क्योंकि आज आपको प्रॉपर्टी बहुत ही जेन्युइन रेट्स के ऊपर मिलेगी, तो उसके बाद आप, क्योंकि एक मास्टर प्लान भी आना जो 2000 अभी जो लेटेस्ट मास्टर प्लान आएगा उसमें बहुत कुछ आपको चेंज हुआ मिलेगा। और दूसरा क्या है कि वो सारी की सारी चीजें आपको ग्राउंड के ऊपर इंप्लीमेंट होती हुई नजर आएगी। साल 10 साल के अंदर वो चीजें आपको ग्राउंड के ऊपर आती हुई दिखाई देंगी। जैसे ये ग्राउंड के ऊपर आएगी तो यहाँ पर ये जिस एरिया में मैं बात कर रहा हूँ, मिर्जापुर रोड, रायपुर रोड, इसके आसपास का जो एरिया है इसमें बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हैं कि 5 से एटलीस्ट कम से कम आपको 5 से 10 साल की प्लानिंग करनी, मिनिमम आपको 5 साल के लिए, अगर आप 5 साल की होल्डिंग लगा सकते हो तो आपके लिए ये जो लोकेशन है ये बिल्कुल बेस्ट रहेगी। यहाँ पर आज के टाइम में आपको अगर प्लॉट्स की बात करूँ तो 6-7 हजार से शुरुआत हो जाती है, उसके बाद में जो अगर जमीन की बात करें तो इस समय आज के समय में बिल्कुल सही भाव में यहाँ पर जमीन भी आपको मिल जाएगी। जमीन आप अगर यू कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा जैसे जैसे इसका बिल्कुल जो सेफ एरिया अगर मैं बात करूँ जिसकी जमीन की, तो वो रहेगा रायपुर रोड इज मच बेटर देन मिर्जापुर रोड, क्योंकि मिर्जापुर रोड पर हो सकता है कुछ बड़ी प्लानिंग यहाँ पर आने की संभावना हो सकती है, तो वो जो एरिया है वो सेफेस्ट दोनों है नो डाउट इसमें किसी प्रकार की, क्योंकि कोई भी जमीन अगर एक्वायर होती है या कुछ भी ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं कोई भी वो चीज आती है तो उसमें बकायदा एक अच्छा खासा मुआवजा दिया जाता है, और कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी इसके अंदर। कई लोग बहुत ज्यादा मंथन करते, इसमें मंथन करने की आवश्यकता नहीं, ग्राउंड के इसके ऊपर कार्य किया जा रहा है, और जैसे जैसे ये चीजें सिरे चढ़ती जाएंगी आगे आने वाले समय में आपको इसके रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास पैसा है, आप लॉन्ग टर्म की होल्डिंग लगाना चाहते हो तो आप इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद रही बात रेजिडेंस की, मैंने बताया कि रेजिडेंस के हिसाब से हिसार इज मच बेटर देन और किसी भी सिटी से अगर कंपेयर करें तो हिसार बहुत बेटर है। यहाँ पर आपको आज के समय अगर कोई मुझसे पूछता है कि हिसार का कौन सा एरिया सबसे बेस्ट रहेगा तो मैं उसको एक ही जवाब देता हूँ, सेक्टर 4 पार्ट 2, जो मेरी नज़र में है सेक्टर 4 पार्ट 2, क्योंकि 9-11 ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, 16-17 तो ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, और उसके बाद में सेक्टर 14 ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, सेक्टर 33 भी ठीक है, लेकिन जो 33 उसके बैक में हो गया, 14 के बिल्कुल बैक में हो गया, जो उस साइड के लोग हैं उनके लिए सेक्टर 33 एक अच्छा लोकेशन है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन या फिर जो कह लीजिए जिनका गोडाउन का प्लानिंग है, इन फ्यूचर लंबे टाइम के लिए होल्डिंग करना चाहते हैं, लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये रेट रेट वाइज कंपेयर अगर दोनों का करें तो इसमें थोड़ा सा एज कंपेयर टू उसके रेट ठीक भाव में मिल जाते हैं। रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है सेक्टर 33 की,
जो रोड का लेआउट है वो बहुत अच्छा है। और रेंटल इनकम के लिए मैं फिर से यही कहूंगा, जो लोग चाहते हैं कि अपनी रेंटल इनकम लेना चाहते हैं, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते जिसके पास 40, 45, 50 लाख रुपए के बजट है, और वो अगर रेंटल इनकम में अगर अपना विश्वास रखते हैं, वो चाहते हैं कि कोई ऐसी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ली जाए जिसमें रेंटल इनकम आए, अच्छी खासी रेंटल है, तो उसके लिए आपको फिर गुड़गांव के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं आपको वहां पर अपडेट करता रहता हूँ। और अगर कोई ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आ, आ, कुछ आर्मी पर्सन हो गए, या फिर कोई ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कोई फ्लैट हो, या फिर आफ्टर रिटायरमेंट मुझे काम करना है, मुझे रिटायरमेंट के बाद कोई ना कोई ऐसी लोकेशन चाहिए जहां पर मैं अपना आजीविका के लिए काम कर सकूं, तो आज के समय में अगर हिसार आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में तो हिसार नंबर वन, और अगर हिसार के बाद अगर कोई सिटी देखते हैं तो फिर आपको गुड़गांव की तरफ में लेना चाहिए। यहाँ पर फ्लैट्स मेरे पास में अवेलेबल हो जाते हैं 45, 40, 45 लाख रुपए से, अच्छे खासे फ्लैट 2 BHK के फ्लैट्स अवेलेबल हो जाएंगे। कॉमर्शियल में आप लीजिए, आप शॉप लीजिए, वहां पर अगर मान लीजिए आप 40, 45 लाख रुपए की अगर कोई शॉप लेते हैं, अप्रूव्ड रेरा अप्रूव्ड रजिस्ट्री की प्रॉपर साफ सुथरे डॉक्यूमेंट, बैंक से लोन अप टू 90% तक का लोन हो जाता है, तो वो वहां पर आपको आ जाता है 45 लाख रुपए की अगर कोई शॉप आप लेते हो, तो आप ये मान के चलिएगा कि 18 से 20 हजार रुपए का रेंटल वहां पर आपको इजिली आ जाएगा। और उसके बाद में अगर एग्रीकल्चर लैंड में आप निवेश करना लगाना चाहते हो, तो फिर आपको जो एरिया मैं आपको बताता हूँ फतेहाबाद साइड का, वो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ हिसार डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसा लोकेशन मिलेगी जहाँ पर आपको थोड़ा सा सेम की समस्या होगी, कुछ ऐसी लोकेशन मिलेगी जहाँ पर पानी की शॉर्टेज होगी, और वहाँ पर पानी बहुत अच्छा है, एग्रीकल्चर के हिसाब से वो लोकेशन बहुत बेटर है। किसी भी प्रकार के हिसार में या गुड़गांव में किसी भी प्रकार के आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप विजिट करिए, साइट लोकेशन देखिएगा, आप हमें नंबर दीजिए, और जो मेरा नीचे नंबर चल रहा है उसके ऊपर आप कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको ऑल ओवर की लोकेशंस की साइट विजिट करवाएंगे, और देन उसके बाद में आप अपना डिसीजन लीजिएगा। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, आपको अच्छा लगे तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी अपडेट्स आती है हिसार की हो या फिर गुड़गांव की, वो आप तक पहुंच सकती है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।